गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हाइट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिविक्स लेसन नंबर वन, दैट इज पावर शेयरिंग। एंड वी विल डिस्कस हियर टू डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज बेल्जियम एंड अनदर वन इज श्रीलंका। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेल्जियम। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, और इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर अगर हम बात करें तो इट इज स्मॉलर दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये इतना छोटा कंट्री है कि हरियाणा से भी छोटा है। अगर हम इस कंट्री के बॉर्डर्स की बात करें तो फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। सो सी इन बेल्जियम द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा से आधा भी पॉपुलेशन अगर माने तो चलेगा, हरियाणा की पॉपुलेशन बेल्जियम के पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा है। हरियाणा के पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, तो यहाँ बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल कम टू नो दैट इज इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। नाउ सी द मैप, यू विल कम टू नो सर्टन थिंग्स। दीज आर द बॉर्डर्स ऑफ बेल्जियम। फ्रॉम नेदरलैंड डच पीपल केम, फ्रॉम फ्रांस फ्रेंच पीपल केम, फ्रॉम जर्मनी जर्मन पीपल केम, एंड फ्रॉम लग्जमबर्ग नो वन केम। नाउ द इंटायर मैप यू विल कम टू नो देर आर 2 कलर्स। येलो कलर में जो रीजन है वो फ्लेमिश रीजन है, यहाँ पे डच लोग रहते हैं, एंड वॉलोनी रीजन, यहाँ पे फ्रेंच लोग रहते हैं। सो वन थिंग इज दैट डच पीपल हैविंग मेजोरिटी इन द स्टेट एंड फ्रेंच पीपल हैविंग माइनॉरिटी इन द स्टेट। यहाँ डच लोग ज़्यादा है इंटायर कंट्री में, इनका परसेंटेज 59% है। लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट कैपिटल ऑफ द बेल्जियम, ब्रुसेल इज द कैपिटल। नाउ ब्रुसेल इज द कैपिटल, एंड इन कैपिटल 80% पीपल आर फ्रेंच पीपल। मतलब हम अगर कंपैरिजन करें तो 80% फ्रेंच लोग है, 20% डच लोग है, और इंटायर कंट्री की बात करें तो वहां पे 59% डच लोग हैं और 40% यहां पे फ्रेंच लोग है। सो हियर विल कम टू नो दैट द परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ डच एंड फ्रेंच पीपल आर इन स्टेट आर मोर एंड इन कैपिटल इज लेस। सो हियर वी विल डिस्कस नाउ विल graphic we will come to know that is Dutch people having 59% in Flemish region. These are the region Flemish and Wallonia region, so different parts of the state. Here we will come to know 59% Dutch log rehte hain, French people 40% Wallonia region mein rehte hain, and German people they are very less, they are minority, they are 1% people are there. Now what is the capital of Belgium? Brussels is the capital of Belgium. यहाँ पे देखो 80% फ्रेंच पीपल हैं, 20% डच पीपल है। लेकिन अगर इंटायर कंट्री की बात करते थे तो यहाँ पे आपने देखा फ्लेमिश रीजन में इंटायर स्टेट में कौन ज़्यादा है, डच लोग ज़्यादा है। डच लोग का परसेंटेज कितना है, 59% है। और यहाँ पे अगर कैपिटल की बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल देन वील कम टू नो सर्टन थिंग दैट इज फ्रेंच पीपल आर 80%। हियर French people are more there in the state, there Dutch people are more. So, and the most important thing that French people became more wealthy, French people are get more knowledge as compared to Dutch people. So, here the one more time we'll see the map. Now we'll discuss about the community people, about the French and Dutch people. French speaking community was relatively rich and powerful. Why it happened? We know that in the capital of Brussels, Brussels ke capital mein jo French log jinka 80% tha, ye log rich and powerful bane, kyunki jo bhi facilities thi, ve sari facilities French logo ki mili. French people ज़्यादा रिच बने, पावरफुल मिले, इनको ज़्यादा फैसिलिटी मिली। लेकिन डच लोगों को ये सारी फैसिलिटी, ये सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लोगों का लेटर ऑन हुआ, पहले डेवलपमेंट हुआ फ्रेंच लोगों का। फ्रेंच लोग वेल्दी बने, रिच बने, इनको फैसिलिटी प्रीवियस अर्लियर मिली। सो डच पीपल को ये फैसिलिटी बाद में मिली, इनका डेवलपमेंट बाद में हुआ। सो डच पीपल ये थोड़ा पीछे रह गए। सो क्या हुआ, अब हमने देखा कि बेल्जियम के अंदर 2 तरह के लोग हैं, डच पीपल एंड फ्रेंच पीपल। बट
बिटवीन द पीरियड 1915 टू 1960 और 1960 के पीरियड में हमने यहाँ एक चीज को ऑब्जर्व किया दैट देर वॉज टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन द ब्रुसेल कैपिटल के अंदर डच लोग और फ्रेंच लोगों में टेंशन बना जब आपस में तुतु मैं मतलब कुछ इश्यूज को लेके डिस्प्यूट होने लगा कंफ्लिक्ट होने लगा और लोग आपस में लड़ने लगे सो हियर वी डिस्कस अबाउट दी बेल्जियम कंट्री नाउ वील डिस्कस अनादर केस दैट इज श्रीलंका नाउ वील डिस्कस अबाउट श्रीलंका सो मूविंग अहेड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज श्रीलंका नाउ देर आर सर्टन एथनिक कंपोजिशन रिगार्डिंग श्रीलंका श्रीलंका के अंदर यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 74% बुद्धिस्ट लोगों का है श्रीलंका के अंदर जो सिंहला लोग हैं इनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है दे आर इन मेजॉरिटी सो मेजॉरिटी ऑलवेज विन वी नो दैट सो हियर व्हाट हैपन इन श्रीलंका बेल्जियम में वहाँ कैपिटल और स्टेट की बात थी लेकिन यहाँ पे अलग सा इशू है यहाँ श्रीलंका के अंदर आप देखोगे कि इन श्रीलंका सिंहला पीपल आर मोर एंटी व्हाट इज द रिलीजन ऑफ सिंहला पीपल बुद्धिज्म बुद्धिज्म अगर हम थोड़ा हिस्ट्री को अगर पढ़े तो किंग अशोका इन द कलिंग ऑफ वॉर जब किंग अशोका जीत गए थे तो वहाँ पे किंग अशोका ने क्या किया था अपने बेटे को वहाँ और बेटी को संगमित्रा को और उनको यहाँ श्रीलंका भेजा था और बुद्धिज्म का प्रसार किया था श्रीलंका में बुद्धिज्म तब से आया है तो श्रीलंका में बुद्धिज्म था सो बुद्धिज्म स्प्रेड इन श्रीलंका 74% पीपल आर ऑफ द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द तमिल पीपल 18% तमिल पीपल आर देयर आइदर दिस पीपल तमिल आर हिंदू और मुस्लिम नाउ वील डिवाइड 18% इंटू टू डिफरेंट कैटेगरीज दैट इज 13% श्रीलंकन तमिल एंड 5% इंडियन तमिल नाउ इंडियन तमिल कैसे आए ब्रिटिशर्स ने हमारे देश से कुछ इंडियन लोगों को तमिल लोगों को प्लांटेशन वर्कर्स के लिए प्लांटेशन वर्कर्स बोल के श्रीलंका लेके गए थे और वहाँ प्लांटेशन वर्क के लिए उनको लेके गए थे तब इंडियन लोग वहाँ सेटल डाउन हो गए वहाँ के हैबिटेंट्स बन गए रहवासी बन गए और वहाँ वो सेटल हो गए तो 5% इंडियन तमिल आ गए 13% श्रीलंकन तमिल आ गए यहाँ मेजॉरिटी 74% श्रीलंका लोगों यहाँ सिंहला लोगों की और अपार्ट फ्रॉम दैट 7% क्रिश्चियन लोग हैं और जो क्रिश्चियन लोग हैं इनमें दे आर स्पीकिंग तमिल ऑल्सो एज वेल एज दे आर स्पीकिंग सिंहला ऑल्सो सो दिस इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका इन श्रीलंका मेजॉरिटी किसका है 74% बुद्धिज्म लोगों का सिंहला लैंग्वेज वो बोलते हैं 18% में दो है दैट इज 13% एंड 5% श्रीलंकन तमिल 13% 5% इंडियन तमिल एंड 7% दैट इज क्रिश्चियन पीपल दे आर आइदर स्पीक तमिल और सिंहला लैंग्वेज सिंहला पीपल ये बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग हैं और सिंहला पीपल ये जो सिंहला लोग भाषा बोलते हैं इनका रिलीजन बुद्धिज्म है और देखते हैं अब तमिल लोगों की बात करते हैं तमिल पीपल हिंदू और मुस्लिम लोग हैं और यहाँ पे जो क्रिश्चियन पीपल जो 7% की हमने बात की थी आइदर दे आर स्पीकिंग तमिल और सिंहला तो सिंहला लोग बुद्धिज्म रिलीजन के हैं सिंहला भाषा बोल रहे हैं तमिल लोग हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के हैं सो हियर क्रिश्चियन लोग तमिल और सिंहला दोनों भाषा बोल रहे हैं अब हम यहाँ के एथनिक कंपोजिशन की बात कर ले नाउ सी दिस इज द मैप ऑफ श्रीलंका सो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका ओके सो दिस इज द मैप ऑफ श्रीलंका मूविंग अहेड नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज मेजॉरिटेनिज्म इन श्रीलंका नाउ यू कैन सी द फ्लैग ऑफ श्रीलंका श्रीलंका मेजॉरिटेनिज्म क्या होता है इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं सो वील स्टार्ट वॉट इन श्रीलंका वी नो दैट ब्रिटिशर्स ने थ्रू आउट द कंट्री 65 कंट्रीज के ऊपर राज किया था 65 कंट्रीज कुछ लेस नहीं होता बहुत बड़ी क्वांटिटी है 65 कंट्रीज उसमें से एक है श्रीलंका श्रीलंका भी एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का और श्रीलंका गॉट दी इंडिपेंडेंस सो श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948 सो वी गॉट फ्रीडम इन 1947 एंड आफ्टर दैट श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948 तो 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली और श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तो श्रीलंका में क्या हुआ 1948 में ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिलने के बाद में श्रीलंका कंट्री ने मेजॉरिटेरियन मेजर्स को अपनाया इन 1948 श्रीलंका गॉट फ्रीडम एंड आफ्टर दैट इन श्रीलंका श्रीलंका के अंदर उन्होंने मेजॉरिटेरियन मेजर्स को अपनाया नाउ व्हाट इज मीन बाय मेजॉरिटेरियनिज्म एग्जाम में
दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है सीबीएसई में. सो लर्न दिस क्वेश्चन बाय हार्ट. कीप इन माइंड दिस स्मॉल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो व्हाट इज मेजोरिटीनिज्म? अ बिलीफ दैट इज द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच वेयर वे इट्स वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. हियर विल कम टू नो सर्टेन थिंग. एक बात यह समझ में आती है कि जिसकी मेजोरिटी कंट्री के अंदर है वो अपने तरीके से कंट्री को रूल करता है, राज करता है और मनमानी कारोबार करता है. यहाँ जो माइनॉरिटी में जो अल्पसंख्यक है, जिनकी क्वांटिटी लेस है, ऐसे लोगों की नीड्स को और उनकी जरूरत को कोई मायने नहीं रखता है. सो मेजोरिटी ऑलवेज रूल, जिसकी लाठी उसकी भैंस. दिस इज obviously clear to you, I hope. Now moving ahead the next topic, that is majoritarianism क्या होता है और कैसे majority measure श्रीलंका में यहाँ civil war तक केस करता है. Now we'll discuss. See, Sri Lanka Sinhalese nations और यह Sinhala Act 1956 में measures अपनाया गया था. देश आजाद होने के बाद में 1956 में एक नया कानून बनाया गया था, दैट इज सिंहला एक्ट बनाया गया था, जिसमें सिंहला लैंग्वेज को यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था. और जिस देश में अभी भी देखो, जिस देश में कोई एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस मिलता है, तो उस देश में हमेशा लोग जो माइनॉरिटी में हैं वो अपनी नीड्स और डिजायर के लिए वहाँ डिमांड करते हैं. दे रेज देयर वॉइस, दे डू द रेवोल्यूशन. एज वी नो दैट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. सो 1956 में सिंहला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. सो इन 1956 एक नया कानून बनाया गया, दैट इज मेजोरिटी मेजर. और 1956 में सिंहला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. ऑल द न्यू सिटीज पोजिशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स वेर गिवन टू द सिंहला एप्लीकेंट. देखो 1956 के बाद में यहाँ जब सिंहला मेजोरिटी मेजर अपनाया गया, सिंहला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, और जितने भी जॉब्स थे, जो यूनिवर्सिटी जॉब्स थे, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थे, ये सारे जॉब्स दिए गए किस कम्युनिटी के लोगों को? सिंहला लोगों को. सो दोस्त भी पला सिंहला, दे गॉट दीज आर द एप्लीकेंट्स गॉट द जॉब्स. ओनली यूनिवर्सिटी जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स, अब सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जॉब्स सिंहला लोगों को मिले. श्रीलंकन तमिल जो माइनॉरिटी में थे, इन लोगों को कुछ नहीं मिला. सो 1956 का एक्ट ये किसके फेवर में था? सिंहला लोगों के फेवर में था. और जैसे अब हमने देखा कि ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो नया देश बनने के बाद में जब देश आज़ाद हुआ, तो 1956 के बाद में जो कानून बना, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो केवल और केवल किसके फेवर में थे? दे गिव मोर इम्पोर्टेंस, दे प्रोटेक्ट द बुद्धिज्म, दे फॉस्टर बढ़ावा दिया, इम्पोर्टेंस दिया बुद्धिज्म रिलीजन को, सिंहला लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया, सिंहला लोगों के भाषा को इम्पोर्टेंस दिया, और सिंहला लोगों के रिलीजन्स को, दैट इज बुद्धिज्म, इसको इम्पोर्टेंस मिला. और रिजल्ट क्या हुआ? यहाँ पे कंट्री के अंदर अपने ही घर में अकेला महसूस किया वो लोग थे श्रीलंकन तमिल. नाउ हियर श्रीलंकन तमिल फेल्ड एलिनेशन, अलूफ महसूस हुआ, अकेलापन महसूस हुआ, ये लोग अकेले हो गए और अपने ही घर में बेघर, जैसे उनको एलिनेशन फील हुआ और दे थॉट दैट हमारे फीलिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे लोगों को जॉब्स नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी जॉब्स मिल रहे, ना गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहे. ऑल गॉड्स यूनिवर्सिटी गॉड्स यूनिवर्सिटी के जॉब्स है या जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, किन लोगों को मिल रहे? सिंहला लोगों को. सो दिस पीपल फेल्ड एलिनेशन, अलूफ उनको मिला लगा. और गवर्नमेंट जो था, वॉट डिड दिस पीपल थॉट? इन लोगों को ऐसा लगा कि दिस रनिंग गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है, हमारी लैंग्वेज को या हमारे कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं है. दे हैव नो फीलिंग्स रिगार्डिंग अवर लैंग्वेज, रिगार्डिंग अवर कल्चर. सो श्रीलंकन तमिल पीपल फेल एलिनेशन. सो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, यहाँ मेजरली ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज इक्वल राइट्स को डिनाइड कर रही है. इक्वल राइट्स डिनाइड हो रहा है. ऑब्वियसली व्हाट हैपन दैट जितने भी मेजर्स है, अगर हमने देखा यूनिवर्सिटी जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स किसको मिल रहा है? सिंहला लोगों को मिल रहे हैं. गवर्नमेंट जॉब्स सभी ये सिंहला लोगों को मिल रहे. श्रीलंकन तमिल पीपल्स को उनके इमोशंस को हर्ट हो गया और उनको इक्वल राइट्स से डिनाइड हो गया. दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, दे आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट, दे आर नॉट गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू देयर रिलीजन ऑल्सो. सो हियर नाउ रिलेशन स्ट्रेस हुआ. बेल्जियम में देखो, डच पीपल, फ्रेंच पीपल, यहाँ दोनों लोग यहाँ पे
इनके बीच में ऐसा स्ट्रेस हुआ था, वैसे ही स्ट्रेस यहाँ अब जब 1956 का कानून बना तो सिंहला लोगों में और श्रीलंकन तमिल लोगों में यहाँ पे स्ट्रेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद में लोग डिमांड्स करने लगे। नाउ दीज आर द पीपल सिंहला श्रीलंकन तमिल पीपल दे फील एलिनेशन दे स्टार्टेड टू रेज देयर वॉइस। इन लोगों ने अपनी आवाज को उठाना स्टार्ट किया, ये लोग डिमांड करने लगे। नाउ दिस पीपल मेक देयर ओन पार्टी, अपनी आवाज बढ़ाई। यहां पे स्ट्रेस बढ़ा सिंहला लोगों में और श्रीलंकन तमिल लोगों में। दीज टू कम्युनिटीज सिंहला पीपल एंड दीज आर दी तमिल पीपल। नाउ श्रीलंकन तमिल पीपल डिमांड फॉर देयर ओन, हियर विल सी दैट श्रीलंकन पीपल ने यहाँ डिमांड्स बढ़ाई। अब इन लोगों ने क्या डिमांड्स थी, वॉट आर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल पीपल। सो एक बात ध्यान में रखें कि एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई डिड श्रीलंकन तमिल फेल एलिनेशन, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल लोगों की डिमांड्स क्या थी, जब हमने देखा कि जितने यूनिवर्सिटी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, सारे जॉब्स सिंहला लोगों को मिल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने क्या किया, दे लॉन्च देयर पार्टी। तो फर्स्ट पॉइंट, दे लॉन्च देयर पार्टी, स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंहला लैंग्वेज को 1956 में सिंहला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, इसलिए इन लोगों ने भी चाहा कि हमारी जो तमिल भाषा है इसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। देन रीजनल इकोनॉमी, जहां हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है वहां हमें सरकार मिलनी चाहिए। देन इक्वल इक्वालिटी ऑन द अपॉर्चुनिटीज इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। सो रिगार्डिंग जॉब्स वी वॉन्ट इक्वल राइट्स, रिगार्डिंग एजुकेशन जॉब्स के प्रति में हमें भी क्या चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए। सो दीज आर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल। नाउ मोर ऑटोनॉमी इन प्रोविजेंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स, जहां पॉपुलेशन तमिल लोगों का ज्यादा है वहां की एरिया में केवल रूल हमारा होगा। एंड लास्ट वन, दिस डिमांड्स वेर रिपीटेडली डिनाइड बाय द सिंहला पीपल। जब सिंहला लोगों ने इन डिमांड्स को बाय रिपीटेडली इसको डिनाइड किया तो यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ा। और स्ट्रेस क्या हुआ, 1980s में जब इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और ये लोगों ने आखिर में एक डिमांड रखी, दैट सी फाइनली व्हाट डिमांड वाज दैट, दैट वाज इंडिपेंडेंस तमिल एलएम, एलएम मीन्स स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। आखिर में इन श्रीलंकन तमिल्स लोगों ने अपनी उम्मीद रखी कि हमारा जो पॉपुलेशन है नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में, यहाँ हमें सेपरेट सा कंट्री दिया जाए, हमारी पॉपुलेशन हम लोग वहाँ सेपरेट रहेंगे। सो दे वांट सेपरेट एलएम। सो वी नो दैट दिस इज द डिस्ट्रस्ट, यहाँ विश्वास, देखो कोई भी रिलेशन जो होता है केवल ट्रस्ट के ऊपर टिका रहता है, यहाँ डिस्ट्रस हुआ बिटवीन सिंहला लोग एंड श्रीलंकन तमिल। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, अ सिविल वॉर टुक प्लेस बिटवीन होम श्रीलंकन तमिल एंड दैट इज ऑब्वियसली दैट इज सिंहला पीपल। सो यहाँ पे डिस्ट्रस टर्न हो गया सिविल वॉर में, और हम जानते हैं वॉर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। सो हियर हम देख सकते हैं सिविल वॉर हुआ और दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। वॉर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, डिस्ट्रस बढ़ा, आपस में सिविल वॉर हो गया, श्रीलंकन लोग और सिंहला लोग आपस में लड़ पड़े, हजारों लोग मारे गए। और वॉट हैपन, ये जो डिस्ट्रस हुआ हजारों, नो यू कैन सी बोथ द मेनी फैमिलीज वेयर फोर्स टू लीव द कंट्री। बहुत सारे जो श्रीलंकन तमिल थे उनको कंट्री से बाहर, कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए कहा गया, लोग अपनी आवाज उठाते रहे और ये कंट्रीज के लोग यहाँ पे सिविल वॉर होने की वजह से एक टेरिबल सेटबैक हुआ कि जो सोशल इकोनॉमिकल और कल्चरल इफेक्ट कंट्री के ऊपर हुआ, और यहाँ पे सिविल वॉर होने से अपने ही घर में बेघर हो गए, और सिविल वॉर से ज़्यादा लोग जीते वो श्रीलंकन तमिल मारे गए। और ये कंडीशन 2029 तक एंड नहीं हुआ, ये चलता रहा। और हियर वी डिस्कस अबाउट दी टॉपिक दैट इज ऑफ श्रीलंका। नाउ हियर व्हाट हैपन इन श्रीलंका, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट श्रीलंका के लोग सिविल वॉर कर दिए, बट इट डिड नॉट हैपन इन बेल्जियम। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, वी विल डिस्कस नाउ।
Now next point, that is accommodation in Belgium. See, श्रीलंका के अंदर डिस्ट्रेस हुआ, श्रीलंकन लोग तमिल लोगों की डिमांड्स कंप्लीट नहीं की गई, इसके लिए वहां पे सिविल वॉर हुआ. बट इट डिड नॉट हैपन इन बेल्जियम. इन बेल्जियम व्हाट हैपन, इन बेल्जियम डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, दे रिकॉग्नाइज रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. हम एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे की भावनाओं को समझ ले, एक दूसरे के रिलीजन को समझ ले, तो क्या होगा, हम म्यूचुअली अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता. ना तुम मुझे सताओ, ना मैं तुमको सताओ, तुम मुझको समझ लो, मैं आपको समझ लो. एक दूसरे को म्यूचुअली अगर हम अंडरस्टैंड कर ले, तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को समझ ले, इक्वल इंपॉर्टेंस हम एक दूसरे को दे, तो कभी कोई यहां प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो सकता है. सो सिविल वॉर ये नहीं होगा. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दे अंडरस्टैंड ईच अदर. सो बेस्ट थिंग, वी शुड ट्रस्ट ईच अदर, वी शुड अंडरस्टैंड ईच वन. सो बेल्जियम 1970 से लेके 1973 के बीच में, सी द डिफरेंस बिटवीन 1970 से लेके 1973 के बीच में, विद इन थ्री इयर्स, तीन साल के बीच में, यहां संविधान को उन्होंने चार टाइम्स रिफॉर्म किया. सी दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फोर टाइम्स, यहां कॉन्स्टिट्यूशन को चार बार अमेंड किया, अमेंड चेंजेस रिफॉर्म किया. और यहां पे व्हाई डिड दे डू सो, ऐसा क्यों किया गया, टू लिव टूगेदर विद इन द सेम कंट्री. सो दे मेड सच ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अ वेरी अ गुड आइडियल रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंटायर डच पीपल, फ्रेंच पीपल एंड जर्मन पीपल. एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां अमन और शांति से सारे लोग रह सके, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ये 1970 और 1973 के बीच में विद इन थ्री ईयर्स में बनाया गया. सो दिस इज वेरी इनोवेटिव बेल्जियन रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आउट द यूरोप. तो पूरे यूरोप में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये काफ़ी यूनिक था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट इट इज़ वेरी अ रोल मॉडल. सो वॉट हैपन, सी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शॉल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऐसा क्यों हुआ, जो श्रीलंका के अंदर हुआ सिविल वॉर हुआ, लेकिन बेल्जियम में सिविल वॉर क्यों नहीं हुआ, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट. अगर आप थोड़ा प्रीवियसली थोड़ा याद करें, तो जो डच पीपल इंटायर कंट्री में ज्यादा थे, 59% थे, और स्टेट में यहां 80% फ्रेंच पीपल थे. तो स्टेट और कैपिटल में दोनों में क्या हुआ, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स शॉल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों मिनिस्टर्स, डच लोगों के मिनिस्टर्स एंड फ्रेंच लोगों के मिनिस्टर्स इक्वल कर दिए गए. मतलब कोई ज्यादा न कम, दोनों के मिनिस्टर्स इक्वल कर दे. इसलिए दोनों ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स होने से यहां कोई स्ट्रेस और कोई कंफ्लिक्ट होने का चांस ही नहीं आता. सम स्पेशल लॉस दे हैव मेड, कुछ स्पेशल लॉस भी बनाए गए मेजोरिटी लोगों के सपोर्ट के लिए. दे रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक रिलेटेड टू लैंग्वेज. सो हियर वी कम टू नो दैट इक्वल मिनिस्टर्स हो गए फ्रेंच लोगों के, डच लोगों के इक्वल मिनिस्टर्स हो गए, और स्पेशल लॉस भी बनाए गए दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज. तो लिंग्विस्टिक ग्रुप के भी लैंग्वेज के आधार पे या ग्रुप्स बनाए गए. अब जो हमने लॉज बनाए हैं या जो भी कम्युनिटीज बनाए हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है. नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस अनअल्टर्ड. कोई एक सिंगल कम्युनिटी इस लॉज में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है. अगर चेंजेस करना हो, इफ दे वांट टू मेक चेंजेस सर्टन रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड कम टूगेदर. दोनों को साथ में आना होगा, और यहाँ पे जब तक वो कंसेंट दे, तभी वो लॉ चेंज हो सकते हैं. सो हियर स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बोथ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दोनों आजाद हैं, और दोनों की जो भी पावर्स है इक्वल है. मतलब दे आर नॉट डिस सबॉर्डिनेट टू इच अदर, बोथ आर हैविंग इक्वल. नाउ सी बेल्जियम इक्वल फ्रेंच मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड हियर विल कम टू नो
कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट वॉज मेड और लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए बनाया गया था, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया था। यहाँ बेल्जियम रोल मॉडल इसलिए बना क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बोथ लेवल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोनों इक्वल थे, पावर को शेयर किया गया। वेन एवर वी शेयर द पावर नो कंफ्लिक्ट अरोज, सो वी शुड शेयर द पावर, दैट इज द मेन मोटो ऑफ आवर लेसन, दैट इज मेन इंटेंशन जो हमारा पर्पज है इस लेसन का है, दैट इज वी शुड शेयर द पावर। अगर पावर शेयर नहीं किया, सिविल वॉर हुआ श्रीलंका के अंदर, बट इट डिड नॉट हैपन इन बेल्जियम जस्ट बिकॉज ऑफ दे शेयर द पावर, इक्वल मिनिस्टर ऑफ डच पीपल, इक्वल मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच पीपल। नाउ सी ब्रुसेल इज द कैपिटल और हियर वी विल कम टू नो सर्टन थिंग्स। देखिए ब्रुसेल के अंदर क्या हो गया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके लिए काम करता है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट काम करता है लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए। कम्युनिटी गवर्नमेंट वर्क्स फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, नाउ इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। सो वी ऑल्सो लर्न दैट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, इक्वालिटी, फैटर्निटी एंड लिबर्टी। सो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे, डच पीपल और फ्रेंच पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल। वाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में दोनों ने इक्वल मिनिस्टर्स स्टेट में माने, इसलिए ब्रुसेल के अंदर भी डच पीपल और फ्रेंच पीपल इन दोनों के इक्वल मिनिस्टर्स थे, इन द स्टेट एज वेल एज इन द कैपिटल, बोथ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट एज वेल एज इन ब्रुसेल। सो यहाँ कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। अब एक स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, दैट इज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग लैंग्वेज कम्युनिटी और जो भी एजुकेशन के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। सी इन बेल्जियम देर आर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी और इसको लैंग्वेज एक भाषा बोलने वाले लोग इसको इलेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर वेयर यू आर लिविंग, बेल्जियम में आप कहाँ रह रहे हो, इट डजेंट मैटर, ये कोई फर्क नहीं करता है। आप जर्मन भाषा बोल रहे, डच भाषा बोल रहे, जर्मन या फ्रेंच भाषा बोल रहे, इट डजेंट मैटर, यू कैन वोट फॉर दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इस गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट को आप यहाँ पे वोट कर सकते हो। नाउ दिस इज पावर दैट इज शेयर अमॉन्ग दी कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। सो वी नो दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट वर्क्स फॉर दैट इज कल्चर इश्यूज, एजुकेशन इश्यूज एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कस करता है। बोथ मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप व्हेन दे कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जब बहुत सारी कंट्रियां इकट्ठा आई और इन कंट्रीज ने जब यूरोप के अंदर एक यूनियन बनाने की कोशिश की तो उन्होंने ब्रुसेल को हेडक्वार्टर चूज किया, दे चूज द हेडक्वार्टर ब्रुसेल एज द हेडक्वार्टर। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्या होता है, अगला पॉइंट लेट अस डिस्कस विद द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ यू कैन सी हियर वन इमेज, इट इज गिवन इन द बुक, बुक में भी इमेज दिया गया है। इसमें बताया गया है कि यहां पे इस कार को दो यहां स्टेयरिंग बताया गया है। देखो किसी कार को दो स्टेयरिंग हो सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नो, किसी भी कार को दो स्टेयरिंग नहीं हो सकते है। अब यहां पे क्या बताया गया है, विल डिस्कस, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन दी सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग अच्छा होता है क्योंकि अगर जिसकी मेजॉरिटी होगी, अगर वन पर्सन पावर होगा तो क्या होगा, पावर का मिसयूज हो सकता है। वन पर्सन कैन मिसयूज द पावर, अगर पावर दो सोशल ग्रुप में यहाँ पे बांट दिया जाए तो कभी भी समाज के अंदर कंफ्लिक्ट नहीं होगा, इट विल रिड्यूस द कंफ्लिक्ट। सो पावर शेयरिंग इज गुड दैट इट रिड्यूस कम करता है, लेस करता है, क्या कंफ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को लेस करता है, कभी भी समाज में कंफ्लिक्ट नहीं होता है। सो वी शुड शेयर द पावर। अनदर रीजन सोशल कंफ्लिक्ट, ये सोशल कंफ्लिक्ट, वी नो दैट सोशल कंफ्लिक्ट जब भी होगा तो वायलेंस होगा, हिंसा होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, सरकार गिर सकता है, लोगों में हिंसा बढ़ेगी, देश में अराजकता बढ़ सकती है। सो पावर को शेयर करना चाहिए। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, सो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आता है 5 मार्क्स के लिए। वी शुड लर्न विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो
मूविंग अहेड द फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस पावर शेयरिंग अच्छा होता है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है. सेकेंड वन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमारी हिंसा बढ़ाता है और देश में इंस्टेबिलिटी लाता है. इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी ओवर द अंडरमाइंड द यूनिटी ऑफ द नेशन. जिस कंट्री में अगर किसी एक एक कंट्री की मेजोरिटी होगा तो वो मेजोरिटी उस कंट्री के अंदर रहने वाले माइनॉरिटी लोगों की इच्छाओं को, नीड्स को क्या करता है, रुइन कर देता है. वी नो दैट यही हुआ श्रीलंका के अंदर. सिंहला लोग ज़्यादा थे वहाँ, श्रीलंकन तमिल लोगों की डिमांड्स को, विश को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला और देश की यूनिटी यहाँ अंडरमाइन हो गया, देश में सिविल वॉर हुआ. इसलिए पावर शेयरिंग हमेशा डिजायरेबल है. सो पावर शेयरिंग करना चाहिए. ट्राइनरी ऑफ मेजोरिटी, अब देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी मेजोरिटी होगा वो रुइन करता है. मेजोरिटी हमेशा रुइन करता है माइनॉरिटी को. नाउ सेकेंड वन, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, दैट इज सेकेंड पॉइंट. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयर करना चाहिए. डेमोक्रेसी में बताया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि पीपल हैव द राइट टू कंसिडर हाउ दे शुड बी गवर्न. वॉट इज डेमोक्रेसी? बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल. लोगों ने, लोगों के लिए बनाया हुआ राज्य मतलब लोकतंत्र होता है. तो लोगों ने यहाँ लोगों को कैसे गवर्न करना है, कैसे कंसल्ट करना है, ये उनको अधिकार होता है. इसलिए पावर को शेयर करना चाहिए और देश में सिटीजन्स भी एक्टिव होना चाहिए. सो दीज आर द टू पॉइंट्स. नाउ लेजिमेट गवर्नमेंट. सो लेजिमेट गवर्नमेंट क्या होता है? इज वन हु सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेट एक्वायर स्टेट इन द सिस्टम. अब हम लेजिमेट गवर्नमेंट की बात करते हैं. अब लेजिमेट गवर्नमेंट क्या होता है कि लेजिमेट गवर्नमेंट में यहाँ फर्स्ट स्टेप क्या है कि प्रोडेंशियल होती है, पावर को शेयर करना चाहिए, और सेकेंड वन मॉरल रिलीजन है. सो व्हाई वी शुड शेयर द पावर, दैट इज प्रोडेंशियल रिवल ऑन द बेसिक ऑफ कैलकुलेशन व्हाट वी गेन वी शुड गेट बेटर आउटकम. अगर पावर शेयर किया गया तो हमें बेटर आउटपुट्स मिलते हैं, देश में कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, वायलेंस नहीं होता है, यूनिटी टिकी रहती है, लोग एक तंत्र में, लोग लोकतंत्र में अच्छे से रहते हैं. मॉरल रीजन क्या है कि हमें डेमोक्रेसी की इस स्पिरिट को इम्पोर्टेंस देना है. पावर शेयरिंग काफ़ी वैल्यूबल है. सो प्रोडेशन एंड मॉरल रीजन्स, दीज आर द टू मेजर रीजन्स वाई वी शेयर द पावर. सो मूविंग अहेड हियर द लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक, रीजन्स फॉर पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए? अब प्रोडेंशियल वही टॉपिक है, फिर से हम इस पॉइंट को शॉर्ट में समझ लें. प्रोडेंशियल रीजन्स क्या होता है? रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है दोनों में, सोशल ग्रुप्स में, और यहाँ पॉलिटिकल बेटर आउटपुट्स देता है. मॉरल रीजन क्या है? ये पावर शेयरिंग मॉरल रीजन में क्या है? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है. यहाँ लोगों को राइट्स मिलते हैं, वो कैसे कंसल्ट किया जाए, गवर्नमेंट कैसे किया जाए और गवर्नमेंट उनको कैसे प्रैक्टिसेस करे. पावर शेयरिंग वैल्यूबल है, वी शुड रिस्पेक्ट इट. सो हियर प्रोडेंशियल एंड मॉरल रीजंस वी डिस्कस. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, दैट इज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ लास्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है? ए पावर रिसाइड इन वन पर्सन, क्विक डिसीजंस आर इन्फोर्स्ड टू देम. अगर हमने क्विक डिसीजन लिए तो क्या होते हैं, हमें लगता है कि पावर एक इंसान के पास में होना चाहिए, पावर एक इंसान के पास में रहे तो क्विक डिसीजन ले जा सकते हैं. डेमोक्रेसी भी यहाँ डाइवर्स ग्रुप को रिस्पेक्ट करता है. हमारे देश में ऑल वॉइसेस आर बी टू बी हर्ड. हम सभी आवाज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, सभी लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं. पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में. वी नो दैट डिफरेंट पावर्स को हम शेयर करते हैं. अब देखो पावर, हम हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सी पावर शेयरिंग, लेजिस्लेटिव मेकिंग द लॉस फॉर द एंटायर कंट्री, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है उसे पनिशमेंट करता है. सो दिस इज हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पावर शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सी लेजिस्लेचर, जहाँ पार्लियामेंट, जहाँ लॉज बनाए जाते हैं. एग्जीक्यूटिव, ये प्रेसिडेंट हाउस होता है, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है. जुडिशरी उस लॉ को जो फॉलो नहीं कर रहा है उसे पनिशमेंट करता है. तो लेजिस्लेचर मेकिंग लॉज. व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट? सी कॉन्स्टिट्यूशन में हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
legislature, executive and judiciary. Executive legislature making laws for the entire country, parliament जहाँ हमारे laws बनाए जाते हैं, then executive उस laws को implement किया जाता है, and last that is judiciary. If anyone not following the laws, it will be get punishment. So law making, law implementing and punishment for not following the peoples. So these are the horizontal form of government. Moving ahead, the next topic, that is Indian government. So legislature, executive and judiciary, this is the horizontal form of government. Now power sharing, organs of government. Now we discuss legislature jo laws banata hai, executive laws ko implement karta hai, judiciary un sare problems ko country ke andar ke jo problems hai unko solve karta hai. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जहाँ पे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है. मतलब लेजिस्लेचर में अगर लॉज बनाए गए हैं तो उस लॉज को जज क्या करता है, चेक कर सकता है. तो यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के ऑर्गन्स को चेक करता है. मीन्स वन ऑर्गन चेक दी अनादर ऑर्गन. सो एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम को चेक करता है. Horizontal and vertical form of government. So we know that horizontal form of government, legislature, executive and judiciary. And vertical form of government, that is we know that हमारे देश में center और state government थे, but 1992 में हमने एक more local government, ये form of government लाया, decentralization किया power को, और ग्राम पंचायत, पंचायत राज ये लाया गया, that is vertical form of government. ग्राम पंचायत लाया गया, it is more effective. So each organ of this level of government having different powers. Send legislature law banata hai, executive law ko implement karta hai, judiciary laws un laws ko jo nahi follow karte unko obviously unko punishment deta hai. So each level of government having different functions. Power sharing is among the different form of government. Central government for the entire country and the government at the provisional, they are regional government. Ek entire country ke liye ek form of government hai, that is central government. Central government entire country ke liye responsible hai, and state government that is responsible for the regional level of government. Power sharing arrangements ki baat karte hai. See, there are different political parties that are having political parties, pressure groups, movement groups that are control the influence of each other. So पॉलिटिकल पार्टीज में यहाँ पे कुछ पार्टीज जो होती हैं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो पावर में आने के लिए एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ सी, इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू चूज देयर लीडर्स. डेमोक्रेसी में हमें लोकतंत्र में पूरा अधिकार है हमारे लीडर्स को चूज करने का. लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ऑलवेज पॉलिटिकल पार्टीज दे फॉट द इलेक्शंस टू विन इट बाय हुक एंड क्रूक. Each and every party wants to win the election. हर party elections को जीतना चाहती है, इसलिए वो कोई भी political place role अदा करती हैं. यहाँ पे competitions होते हैं और हर party अच्छा काम करती हैं. अगर कोई party के पास में अगर power चली गई, एक ही party के पास में power रही, तो वो ये misuse कर सकती हैं. It can undermine the unity of the country. So to form government, different parties who come together, these ideologies and social groups. See, क्या होता है कि कभी कभी सरकार नहीं बनती है, तो हमें देखते हैं कि अगर 1990s में ऐसा हुआ था कि कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो तब से different parties come together to form the government, and यहाँ पे गठबंधन किया जाता है. अब की बार मोदी सरकार इसमें भी वही हुआ है. 240s उनको सीट्स मिले थे और उन्होंने यहाँ पे एलिनेशन किया, कोलिशन किया और सरकार को फॉर्म किया. तो ये 1990 से स्टार्ट हुआ और सरकार बनी है. सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट अलायंस और कोलिशन से भी सरकार फॉर्म होती है. सो देर आर इंटरेस्ट ग्रुप्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, दे टू मेक देयर ओन ग्रुप. हमने रशियन रेवोल्यूशन से देखा है कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, सभी लोग अपने ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं, एंड ईच एंड एवरीवन वांट्स टू अपनी नीड्स और शेयर्स को डिमांड रखने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं. तो हमेशा गवर्नमेंट में पावर शेयर करना चाहिए, तभी डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट पड़ता है. सो एट द एंड ऑफ द लेसन वी शुड कम टू नो वन थिंग, वी शुड शेयर द पावर. अगर पावर शेयर किया तो वहाँ पे देश की यूनिटी टिकी रहती है और मिसयूज नहीं हो सकता है.
अगर हमने देखा, अगर पावर किसी एक के पास में आया तो पावर शेयर नहीं होता है। और श्रीलंका में क्या हुआ, सिंहला लोगों ने श्रीलंकन तमिल को एलिनेशन अलूप कर दिया, सिविल वॉर हुआ। सो एट द एंड ऑफ द लेसन, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन, वी शुड शेयर द पावर। थैंक यू।